सत्कार के खालसा जी, दोस्तों, सज्जनों, मैं अज पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे प्रोफेसर हरपाल सिंह पन्नू की एक स्पीच देखी है जिहड़ी कि उसने मैसेज के रूप में दिती है। मैं उहदे नाल तुहाडा उहदे बारे तुहाडे नाल चर्चा करना चाहूँगा। सब तो पहला तो उसने कहा है कि मैनू लोग कहिंदे हन कि केजरीवाल हिंदू है तो तुसीं पंजाब च चाहुंदे हो वी सिखां दा राज कायम किया जाए। हालांकि हरपाल सिंह पन्नू की कोई ख्वाहिश नहीं है कि सिखां दा राज कायम किया जाए क्योंकि वह इस तरह की लहर के नाल संबंधित नहीं है, पहला होगा अजकल नहीं है। तो वह कहता कि मैनू कहिंदा कि केजरीवाल नूं पुछो भी पंथक एजेंडा उसका की है। तो अगर हरपाल सिंह पन्नू कहते मैं क्या भी उन्हें कोई किस हिंदू एजेंडा ऐलान किया है। हालांकि तुम देखो केजरीवाल पंथक एजेंडा कहता है पूछने की लोड़ नहीं है, पर जब कि केजरीवाल धर्म के नाते वोटा मांग रहे हैं। तो देखो सब तो पहला उन्हें कहा भी अमृतसर जिहड़ा है उसनों मैं पहले दिन आ के धार्मिक शहर पवित्र शहर का दर्जा देंगे। हालांकि यह दर्जा कागजा में इंदिरा गांधी ने 1983 च देता, वक्री गल भी उसे अमल नहीं किया गया तो ना ही शायद किया जाए, कदे भी ना किया जाए क्योंकि कोई भी अमृतसर शहर के हिंदू वोटा नहीं खराब करनिया चाहता क्योंकि तंबाकू के नाल वो आप बहुत जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने तंबाकू वास्ते तो उन्होंने सिख खिलाफ जदोजहद भी की, जो सिखा ने जलूस कढ़िया तो उनके खिलाफ दो दिन पहला उन्होंने जलूस कढ़िया। तो फिर जेकर सच्ची मुची धार्मिक एजेंडा अरविंद केजरीवाल का नहीं तो फिर अमृतसर पवित्र शहर करार देने दिया गल्लां दोबारा पवित्र शहर करार देने दिया गल्लां क्यों कीतियां उन्हें। फिर उस तो बाद तुम देखो भी दिल्ली की इलैक्शन जितों तो बाद उसने जो निरंकारी की तारीफ की है वो इंटरनेट से सारे के कोल सामने पई भी मैं इन्हों करके जीता है, ये मेरे सब कुछ ने। हालांकि इन्हें जिन्होंने इंचार्ज पंजाब का उन्हें घुगी वह भी जाके तन निरंकार के नाल ही लैक्चर शुरू करता है, वह ना अपने आप कहे मैं निरंकारी नहीं, पर उसकी स्पीच तो जरा तन निरंकार ना शुरू किया है, ना जय हिंद नाल किया, ना सत श्रीकाल ना वाहगुरु जी की फतेह ना नमस्कार ना जय श्री आराम ना किया है, तन निरंकार ना किया, तन निरंकार सिर्फ निरंकारी ही कहते हैं। खैर केजरीवाल का होर तुम देखो एजेंडा की है, कल निरंकारी की तारीफ नहीं, जो तो बल्ला डेरे फंक्शन है तो बल्ला डेरे बिना बुलाया पहुँच गया क्योंकि वह बल्ला डेरे वोटा भी जीडिया अपने ना लैनिया चाहता सगा। फिर टटरिया वाले उत्ते मिलाया तो टटरिया वाले को पहुँच गया, हर थान से एजेंडे पहुँचता है धर्म के नाँ से हर थान से एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करता हर साधन। हालांकि उसने रोकया फिर इसके बावजूद नहीं, क्यों वह धार्मिक एजेंडा कौन कहता नहीं है। हरपाल सिंह पन्नू की यह गल गलत है कि वह जोड़ा पंथक धर्म के नाँ से वोटा नहीं मंग रहा। फिर उस तो बाद हरपाल सिंह पन्नू कहते भी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो उसू प्रेम समझाइए कि साडा एस जी पी सी जी यही चलनी चाहिए है, सरकार यही चलनी चाहिए है। तो यह प्रेम समझाना तुम प्रकाश सिंह बादल नहीं कर सकते, कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं प्रेम समझा सकते, उन्होंने ही कुछ समझाना है। यह चापलूसी करने का बड़ा अजीब जहा तरीका मनना गया हरपाल सिंह का। फिर उस कहता भी तारीफ करता केजरीवाल की, किस तरह भी केजरीवाल ईमानदार है, रोशन बुद्ध है, तो जिसनों टिकटा दित्तियां जानियां ने उहदे वास्ते बड़ा कॉन्शियस है। तो देखो उन्हें दिल्ली से जो टिकटा दित्तियां सी अज भी टेप जिहड़ी उहदी यूट्यूब ते पई हुई है कि असी 70 दे 70 उम्मीदवार जिहड़े ने उहनां दी परख करके वेख लई है, उहनां विचों किसे दे उत्ते कोई अखलाक दा केस नहीं, कोई करप्शन दा केस नहीं, कोई मुजरम नहीं, सारे ईमानदार हन। और तुसीं वेख देखो भी उहनां विचों किन्ने कि ईमानदार ने। खैर इहदी गल मैं बाद विच करदा, भी उह कहिंदा भी जिन्हां नूं टिकटां दित्तियां दिल्ली च असीं वजीर कर दित्ते, 3 वजीर कर दित्ते, तो इहदा मतलब यह भी जिहड़ी तुसीं 70 बंदिआं नूं कहिंदे सी ईमानदार ने ते मुजरम नहीं हन, वह तो राशन कार्ड के नाते औरतों का शोषण कर रहे हैं। एक बंदे के घरों 170 करोड़ रुपया निकल रहा है, एक बंदा जिहड़ा जनानी नूं कुट्टण दे केस जा रहा है, एक बंदा जाली डिग्री दे केस दे अंदर है, तुसीं 70 दे 70 बंदे परख रहे, तो कौन मन्नेगा कि तुसीं पंजाब च कल्ले कल्ले नूं परख रहे। घट्टो घट जिहड़े तुसीं 25-26 अनाउंस किए आ, 3 बंदे तो सैक्स के मुजरम ने, एक बंदा कनेडा च ऐसा है जिसनों कोर्ट ने कहा भी तू उस औरत दे घर के नेड़े तेड़े तक नहीं जा सकता, यह भी सर तुहाडे कोल यूट्यूब पर पई हुई है। और इस तरह के 2 केस होर ने जिहड़े तुहानूं फेसबुक पर नज़र आ जाएंगे, सोशल मीडिया से आ जाएंगे, भी जिहदे च पता लगे भी ये जिहड़े ने कोई मुंडेबाजी के केस है, तो कोई होर किसी केस है, कोई किसी कुड़ी के छेड़न के केस है, होर इस तरह के केसा में है। तो इस तरह केजरीवाल कहते छोटेपुर नूं कढ दिता, वह 2 लाख के स्टिंग ऑपरेशन की तुम अज तक वीडियो रिलीज नहीं कर सके, एड्डा वड्डा झूठ। फिर उसने तुसी देखो किड्डा पंजाब का वड्डा दुश्मन है कि उसने गुरप्रीत घुग्गी नूं बनाया। चलो पते था यह तो गल मान ली, कोई फर्क नहीं है, मैं टॉपिक पर आउंदा नहीं गा, यह तो बाद च गल करांगा।
सब तो कमजोर ते सब तो बुद्धिहीन जिहड़ा बंदा गुरप्रीत घुग्गी है जिन्हें बड़े वड्डे सीनियर किसे नहीं बनाया उहनूं वो चाहिए जिहड़ा चापलूसी करे चमचीगिरी करे जिहदी अपनी शख्सियत कदे उभर ना सके उस बंदे नूं बनाया। तो इस करके कहना भी छोटे पुन्नू कर दिता रिश्वत करके नहीं कढ़िया, इस करके कढ़िया कि वह बराबर की कोई चीज़ जिहड़ी है शख्सियत पंजाब विच डिवेलप ना हो सके, किसे पंजाबी नूं अगे नहीं आउण देना चाहुंदा, पंजाबी दा किसे दा वह कद नहीं बनन देना चाहुंदा। फिर कहिंदा भी जिहड़ा रिश्वतखोर है जुर्म है करन वाला है सानू दसो असी कढ देंगे, सोशल मीडिया से आ तिना बंदा का लाया तो तिना चो किसी नहीं कढ़िया कढ़ की देंगे। तुम हम दिल्ली से देख लो, दिल्ली से अमानुल्ला के बारे केस आया, उसने इस्तीफा दिता पार्टी तो, पर इस्तीफा नहीं कबूल किया गया कि वह तो कहना सोशल घर का केस है, अपनी सारी सारे हार के नाल उन्हें सैक्स की हरकत करनी जी घर का केस है, ये इखलाकी जुर्म है। इस तरह फिर तो राशन कार्ड देने वाले का भी जो निजी जुर्म है, हालांकि आशुतोष ने भी किया हूँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली का सिसोदिया भी कहें भी ये तो जो अमानुल्ला का केस जो ये तो जाति केस है। सो इन्हां दे कोल जिहड़ा अयाशी का महकमा है आम आदमी पार्टी ने तो ठेका ही लिया, जिवें भी जिहड़े अयाशी करते साडी पार्टी वाले होण तां फिर तो कोई डर नहीं, उन्हां नूं असीं घरोगी मसला कह के हटा देंगे। फिर उस तो बाद कहिंदे भी मैनू लगता है हरपाल सिंह पन्नू कहते मैंने लगता है केजरीवाल ईमानदार है, कितों ईमानदार है, किहड़ी थां तों ईमानदार है, जिथे अपॉइंटमेंट कीतियां उसने अपनी मर्जी नाल कीतियां। कहिंदा मैं शराबबंदी करांगा पंजाब, शराबबंदी करांगा, शराबबंदी तो तूं दिल्ली च नहीं कीती, दिल्ली च सैकड़े नवें ठेके खोल दिते ने, तो इस दे बाद किहड़ी ईमानदारी करेगा, कित्थे ईमानदार। फिर मैं होर पुछदा भी चलो कहिंदे भी जिन्हां ने असीं मिनिस्टर तीन कढ दिते, छियां चों तीन मिनिस्टर कढ दिते, ते मिनिस्टर कढ़न तों बाद उहनां नूं पार्टी चों क्यों नहीं कढ्या, सिर्फ वज़ीरी तों क्यों कढ्या, उहनां दे कोलों पार्टी चों, पार्टी नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, 67 ने जेकर 20-20 कढ दिते जां तां वी कोई फर्क नहीं पैंदा, पर जिहड़े 3-4 मुजरम ने इक नूं तां जेल होई होई है, इक दे कोल 170 करोड़ रुपया फड़िया जा चुका है, इक राशन कार्ड दे नां ते सैक्स शोषण करदा है, इक अपनी सारे हार दे शोषण, इहनां नूं पार्टी चों क्यों नहीं कढ्या गया। फिर पार्टी दा तुहाडा ईमानदारी दा डिसिप्लिन कीते तुहाडे असूल कितने ने, हरिंदर सिंह खालसा ते गांधी जिहड़े आ दो MP ने दोनों नूं सस्पेंड किया है 1.5 साल तो, तुसीं उन्हां नूं क्यों नहीं कढ़िया, या तो उन्होंने कढ़ो या कहो भी तुसीं गलत कढ़िया, इहदा मतलब तुहाडे अंदर कोई कोई स्टैंड लैण दी जुरत नहीं है, ते तुसीं अपनी कोठरी जिहड़ी है आशुतोष है ते होर जिहड़े दिवाकर ने ते जिहड़े जिन्हां दे उत्ते करप्शन और सैक्स दे दोष लगदे ने, हुण वी आशुतोष नूं हुण वी जिहड़ा अपने नाल संजय सिंह नूं पंजाब विच लई फिरदा है, कहिंदे सी ना पंजाब च नहीं आएगा कोई दिल्ली दा बंदा, पंजाब विच हर थां ते संजय सिंह फिर रहा है और हर गल संजय सिंह दी मर्जी दे नाल हुंदी है, किहड़ा केजरीवाल ईमानदार है। हरपाल सिंह पन्नू उसका मेरा दोस्त है, मैं उस निजी तौर पर तो मैं उहदे नाल हमेशा ही जिहड़ा चंगे संबंध जिहड़े मेरे रहे ने ते रहणगे, ठीक है हो सकता केजरीवाल को वाइस चांसलर बनने की आस रखता होए, पर जो गल्लां करियां सारियां गलत ने, केजरीवाल एक बेईमान बंदा है, केजरीवाल डिकटेटर है, केजरीवाल जुरत को नहीं कोई फैसला लै सके, केजरीवाल जिहड़ा मुजरमां नूं अपने नाल रखता है, ये दिखावे के तौर पर कड़ा, पहली गल तो 70 चों 70 ईमानदार बंदे रहे आ, तो जो ईमानदारी फड़ी गई बेईमानी फड़ी गई तां वी कढ़े नहीं हन, मिनिस्ट्री तो कढ़े हन, तो इहदा मतलब भी हुण वी जिहड़े तुसीं करदे हो उह गल गलत करोगे। हुण आओ इहनां दे नवें मैनीफेस्टो वल, नवें मैनीफेस्टो से कहते 25 लाख नौकरियां असी देंगे। मैं एक सवाल पूछदा बई इन्हां को 5 साल मान लो सरकार आ जाए, मेरे हिसाब से 5 तो 10 तो बाद सीटा आने की कोई आस नहीं है, कल का कोई पता नहीं होता, पर जे जे इन्हां दी गल ही मान ली बई सरकार आ गई है तो 5 साल इन्हां कोल सरकार रही है तो 5 साल दे तुसीं मिंट गिन लो तो वह 26 लाख मिंट बनता 5 साल का, तो यह मतलब हर मिंट विच जे दिन रात काम करते रहन एक नौकरी ही देंगे, चलो 25 लाख नौकरी दे भी दी है तो घट्टो घट्ट तनखा 15,000 तो बनती ना हर एक की, वैसे तो जो पे कमीशन के हिसाब ना देखो तो 15,000 चपड़ासी की तनखा भी नहीं बनती, 22,000 बनती है, तुम 15,000 ही ला लो जो 15,000 महीने की तनखा दी जाए तो 25 लाख बंदे हैं 3,750 करोड़ रुपया हर महीने का चाहिए, तो ये हिसाब न 50,000 करोड़ हर साल एक कितों लियाना है। ये एवें शोशे जिहड़े ने उपर ने अपने गल्लां तमाशे जिहड़े ने लोगों को लुभाउण ते बेवकूफ बनाउण दीआं गल्लां करदे आ, पंजाब शराबबंदी करांगे, शराबबंदी कित्थे करोगे, दिल्ली तुसीं सैकड़े ठेके खोल रहे हो, फिर इखलाक दीआं गल्लां जिस तरह मैं गल करके रहा 11 MLA इहनां दे जिहड़े ने उह जेल च बैठे ने जां किसी केस च बैठे हुए ने। फिर किसान मैनीफेस्टो की गल करदे आ, हुण पंजाब की गल करदे आ, किसान मैनीफेस्टो च कितें नहीं कहा गया कि असीं पंजाब दे पाणी दी राखी करांगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वो बिल पास किया
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੋਂ ਆਪ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਿਆਓ, ਹੁਣੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਪੁਲਿਸ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਤਗਾਸੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, CBI ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਝੂਠੇ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਤ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡੇਗਰਦੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਚੀਪ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੋ ਭਲੇ ਹੋ ਮਾਨਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਨਵਾਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਹਜਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 63 CDO ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ CD ਨਾ ਆ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਬਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਡਰਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ CD ਨਿਕਲੀ, 170 crore ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਕੇਸ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਕੇਸ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ CDਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ CD ਨਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਥਵੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਡਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੱਕ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਪੈੱਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਤ ਦੀਆਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਂਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ NRI ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ NRI ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਰਤੋਗੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਗੇ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ 2-2 crore ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕੀ ਕਹਿ ਲਓ? ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 10-10, 15-15 crore ਰੁਪਈਆ ਸੀਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜਾ 20 crore ਖਰਚਦਾ ਜਾਂ 10 crore ਖਰਚਦਾ ਉਹ 10-10 hazaar ਅਤੇ 20-2 hazaar crore ਪੈਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਅਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਸਗੰਜ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 250 meter ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਏਰੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 84 November 'ਚ
खूनी नवंबर च मारे गए ने उन्हां दी यादगारी बना दिओ, उन्हां दी याद विच कोई एक मेमोरियल ही बना दिओ। फिर इस तरह गुरु तेग बहादुर साहब नूं तुसीं शहीद एडे वड्डे कहिंदे हो ते उन्हां दी याद विच तुसीं दिल्ली च छुट्टी तक भी परमानेंट नहीं करदे, छुट्टी करके सरकारी पद्धर ते उस नूं कौमी शहीदी दिन मनाया करो। नहीं मनाओगे ना इह पंजाब दे पानियां दी गल करगे, ना भाखड़ा नंगल दा डैम दा जिहड़ा बिजली की फैक्टरी ते जिहड़ी खाद की फैक्टरी है वह पंजाब नूं वापस लैण दी गल करगे, ना पंजाबी इलाके बोलदे इलाके की गल करगे, ना चंडीगढ़ की गल करगे। पंजाब का इन्हों कोई एजेंडा नहीं, एवं उत्तों उत्तों कही जाने करप्शन खत्म करांगे, ड्रग्स खत्म करांगे, ये सारे जिहड़े नारे हैं नौकरियां देंगे सारे फराड हैं। केजरीवाल पंजाब का वह बेड़ा गर्क करेगा कि तुसीं याद रखोगे। एक आखिरी गल कहनी चाहवांगा कि जिस तरह 1992 दियां चोणां ना लड़ के दलजीत सिंह बिट्टू ते सुखदेव सिंह बबर ने जिहड़ा पंजाब नूं बेअंत सिंह दे हवाले कीता सी, अज सिख जेकर पंजाबी लोग उही गल करनगे तां इह इक बड़ा वड्डा गुनाह होएगा, उहो जी गलती करनगे ते पंजाब इस बाणियां ते ब्राह्मणां ते समायदारां हरियाणवियां नूं, हरियाणवी दा कित्थों इंट्रस्ट पंजाब च होएगा, जां यूपी ते राजस्थान वाल दा कित्थे इंट्रस्ट होएगा पंजाब च। तो इहनां नूं हवाले करोगे तां तुसीं पछताओगे, उवें ही पछताओगे जिवें बेअंत सिंह ते केपी गिल दे राजे च पछताए सीगे, और ये पछतावे दा तुहाडे कोल कोई इलाज नहीं निकल सकना। ये जुर्म ते ये पाप जिहड़ा तुहानूं सदियां तक तारीख जिहड़ी माफ नहीं करेगी। इतिहास तुहानूं पुछेगा बई तुसीं अपने आप नूं पंथक ते सिख ते पंजाबी ते सच्चे ते सुच्चे कहिंदे सी, पर निकले तुसीं बेवाकूफ स्टूपिड और पापी निकले। सो अजे भी मौका है, समझ जाओ, जे ना संभलोगे तो मिट जाओगे। ए पंजाबियों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। थैंक यू।